गाइस क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला मेमोरी कार्ड कैसा होगा? तो गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि एरोप्लेन किसने इन्वेंट किया तो 99.9% लोगों का जवाब होगा राइट ब्रदर्स, जो कि बिल्कुल गलत है। गाइस आप लोगों ने तो अक्सर मूवीज में ही सुना होगा कि एक सुपर हीरो ने बहुत से लोगों की जान बचाई, लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि हमारे रियल लाइफ में भी एक ऐसा हीरो है जिन्होंने लाखों लोगों की जान बचाई। तो गाइस ऐसे ऐसे फैक्ट को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोज को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। फैक्ट नंबर 15। गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि एरोप्लेन को इन्वेंट किसने किया तो 99.9% लोगों का जवाब होगा राइट ब्रदर्स, लेकिन गाइस ये बिल्कुल गलत है। गाइस क्या आपको पता है कि पहली बार किसी भारतीय वैज्ञानिक ने सपना देखा कि इंसान आकाश में उड़ेगा तो लोग उसका मजाक उड़ाकर कहते थे कि तुम पागल दिखते तो हो नहीं लेकिन पागल हो जरूर। लेकिन गाइस फिर भी उन्होंने उन व्यक्ति ने अपने सपने पर विश्वास रखा और भारतीय वेदों की मदद से दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज बनाया भी और उसे मुंबई चौपाटी पर 1500 फीट उड़ा के सुरक्षित लैंड भी करवाया। फिर भी इतिहास के पन्नों में उनका नाम तक दर्ज नहीं हुआ और आप जान के हैरान हो जाओगे कि उन्होंने ये सारे काम राइट ब्रदर से 8 साल पहले किया। वाओ, राइट ब्रदर से भी 8 साल पहले किया उन्होंने ये सारे काम। लेकिन गाइस आज ये बताने का वक्त आ गया है कि दुनिया का पहला हवाई जहाज एक भारतीय वैज्ञानिक ने बनाया था, ना कि किसी अंग्रेज ने जिनका नाम है सीकर बाबूजी ताल पड़े। तो गाइस इनके लिए एक सैल्यूट तो बनता है। फैक्ट नंबर 14। गाइस क्या आपको पता है कि अमेरिका का जो नेशनल फ्लैग है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया है? तो गाइस आप ये जान के हैरान हो जाओगे कि अमेरिका का जो नेशनल फ्लैग है वो स्कूल के बच्चों के द्वारा डिजाइन किया गया है, ना कि किसी गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा। फैक्ट नंबर 13। गाइस आप लोग तो गूगल का यूज करते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि गूगल का ऐसा एक फीचर है जिससे आप लोग नहीं जानते हो? तो गाइस इसके लिए आपको अपने सर्च बार में गूगल ग्रेविटी सर्च करना होगा। सर्च करते ही जैसे ही आप इसे टैप करोगे तो गूगल ग्रेविटी लेस हो जाएगा जैसा कि आपको दिख रहा है। तो गाइस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हो। फैक्ट नंबर 12। गाइस ताजमहल के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ सकता है। ऐसा इसलिए होता है कि ताजमहल के सुरक्षा कर्मियों ने ताजमहल की सुरक्षा को देखे ये रूल पास्ड किया हुआ है कि ताजमहल के ऊपर से कोई भी एरोप्लेन नहीं उड़ा सकता। फैक्ट नंबर 11। गाइस क्या आपको पता है कि एक जो गाय होती है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में नियरली 2 लाख ग्लासेस ऑफ मिल्क प्रोड्यूस करती है। गाइस नेक्स्ट फैक्ट से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बगल में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसको दबा के ऑल पे कर लीजिए, इससे आप मेरे चैनल के वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फैक्ट नंबर 10। गाइस ये फैक्ट आपके दिमाग को घुमा के रख देगा। गाइस इस इमेज में जो आपको सर्किल दिख रहा है वो गोल गोल घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन गाइस असल में ऐसा नहीं है। वो जो सर्किल है वो बिल्कुल स्थिर है, लेकिन इल्यूजन के कारण आपको वो लग रहा है कि वो गोल गोल घूम रहा है। फैक्ट नंबर 9। गाइस क्या आपको पता है कि आप एक रूबिक्स क्यूब को कितने मीटर से सॉल्व कर सकते हैं? तो गाइस आप एक रूबिक्स क्यूब को इतने मीटर सॉल्व कर सकते हैं जितना कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। वाओ, अनबिलीवेबल। फैक्ट नंबर 8। गाइस क्या आपको पता है जब चाइनीज खोजकर्ताओं ने 400 साल से भी पुराने पत्थर को ढूंढा तो उन्हें एक अंगूठी मिली जिसमें टाइम 10:06 पर रुका हुआ था और ये घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाई गई थी। लेकिन गाइस आपको पता है, जान के आपको हैरानी होगी कि उस वक्त स्विट्जरलैंड का कोई नामो निशान ही नहीं था, लेकिन ये घड़ी स्विट्जरलैंड में बनाया गया था। तो फिर ये घड़ी स्विट्जरलैंड में कैसे आ गई, ये बात सबकी समझ के पड़ी है। फैक्ट नंबर 7। गाइस जब भी आप डॉग्स का नाम सुनते होंगे तो आपको कुत्तों का भौंकना याद आता होगा, लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी डॉग है जो कभी भौंक नहीं सकता जिसका नाम है बिसांजी एंड जो अफ्रीकन ब्रीड है जिसका इमेज आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो। फैक्ट नंबर 6। गाइस ये तो हम सब जानते हैं कि रक्तदान से किसी का जीवन बचाया जा सकता है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि कोई अकेला व्यक्ति अपने जीवन काल में रक्तदान करके कितने लोगों की जान बचा सकता है तो आप बोलोगे 10, 15 या 20 लोगों के बारे में। लेकिन गाइस आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के एक व्यक्ति जिनका नाम जेम्स हॉरिजन है और जिन्हें दी मैन विद दी गोल्डन आर्म की उपाधि दी गई है जो कि 81 वर्ष के थे, गाइस उन्होंने 1954 से लेकर 2018 तक 1137 बार ब्लड डोनेट किया और उससे 24 लाख बच्चों की जान बचाई। गाइस बात ये है कि उनके ब्लड में एक बहुत रेयर टाइप्स का ब्लड प्लाज्मा था जो कि सारे बच्चों के लिए एंड जितने भी पर्सन थे ब्लड डोनेटर्स थे उनके लिए बहुत यूजफुल रहा।
फैक्ट नंबर 5। गाइस अगर आपसे पूछा जाए कि दुनिया की सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, तो शायद आप बाइबल, कुरान, गीता या फिर हैरी पॉटर के बारे में सोचें। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फर्नीचर और होम एक्सेसरीज बेचने वाले आइका स्टोर के कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाली बुक का रिकॉर्ड रखता है। लगभग 2 दर्जन भाषाओं में इसकी हर साल 20 करोड़ प्रतियां छपती है। फैक्ट नंबर 4। आज कुछ लोग वेट बढ़ने से बड़े परेशान होते हैं, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसका वजन रोज 2 से 4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 केजी भारी होता है। सो वंडर्ड गाइज। फैक्ट नंबर 3। गाइस लिजर्ड यानी जनरली आप लोगों ने छिपकली को अपने घरों में देखा होगा, लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी छिपकली कौन है? तो गाइस जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है, ये दुनिया की सबसे छोटी छिपकली है। एंड गाइस पिक्चर को आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि जो छिपकली माचिस के तिल्ली के इक्वल है वो कितनी छोटी होगी। फैक्ट नंबर 2। गाइस जनरली आप लोगों ने रेड व्हाइट पिंक गुलाब देखे होंगे, लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में 800 से भी अधिक प्रकार के गुलाब पाए जाते हैं, जिसका लिस्ट आपको स्क्रीन में दिख रहा है। फ्रेंड्स फैक्ट नंबर 1 के पहले हमारे चैनल का एक एम है जो कि 10K यानी 10,000 सब्सक्राइबर का, और वो भी 30 मार्च से पहले। तो इस एम को पूरा करने में आप हमारी मदद कर सकते हैं सब्सक्राइब बटन को दबा के और वीडियो को शेयर करके। फैक्ट नंबर 1। गाइस मेमोरी कार्ड तो आप लोगों ने देखा ही होगा, जनरली उसकी साइज हमारे एक नेल के इक्वल होती है। लेकिन गाइस क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला मेमोरी कार्ड कैसा दिखता होगा? तो गाइस जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हो, ये दुनिया का सबसे पहला मेमोरी कार्ड है जो इतना बड़ा है कि डिलीवर करने के लिए कई लोगों की जरूरत पड़ रही है। सो गाइस दैट्स फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड वीडियोज को अपने फ्रेंड में शेयर करना ना भूले, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूले। थैंक यू सो मच।